मिलनसार क्या? उनके पति देव है, वही सारी बातें करते हैं, वो तो कुछ तो मिलती नहीं है पब्लिक से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मिलनसार है और मैं उनसे 2 या 3 बार मिल भी चुका हूँ और बढ़िया मिलनसार है। ठीक है, आप यदि बुलाओगे तो आपका उससे बात करेंगे, वरना आप किसी से जाओगे ये जवाब मिलेगा। जो डैम टूटा था 7 रुपए होते हैं अभी तक उसके मामले में कुछ भी नहीं किया, जबकि झुंझुनू की सबसे बड़ी जरूरत पानी की थी, वो भी उन लोगों के काम करना शुरू हो गया। क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे काम बकाया थे, उनमें से कोई विशेष काम नहीं कर पाए। ब्रॉडगेज का काम था, ब्रॉडगेज चली तो सही उनके टाइम में, लेकिन वो पहले से योजना थी और काम पूरा हो रहा था। उन्होंने सड़कों का काम कराया है, घोड़ों को चलवाया है, सफाई के लिए भी बहुत से उनके काम किए हैं, ब्रिज का काम किया है। इसके विकास के लिए उन्होंने दोनों शहर में सड़कें बनाई हैं और पार्किंग व्यवस्था की है, कई अपने उद्यान वगैरह हैं उनके लिए भी कई व्यवस्था की है, बल्कि और जैसे कि गली मोहल्लों में जितनी भी सड़कें वगैरह उनको एकदम से शानदार किया है। जितना काम उस काम के 18 महीने लग रहे हैं, ना कोई संभालने वाला, ना कोई जनता को पानी की जरूरत है। इतना काम बताएं, 32 साल के राज्य से पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि किसी सांसद ने झुंझुनू जिले को संभाला है। अच्छा, पहले मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। नेशनल हाईवे है, झुंझुनू की हर समस्या के लिए नहर के लिए भी बार बार प्रयास कर रही है, और सिवर लाइन का काम है, उनकी देन है। झुंझुनू में 3 नंबर रोड जो टूटा टूटा पड़ा था उसको ठीक कराना, अपने कोटे से अलग से ठीक करवाना, ये सब उनका काम है। उन्होंने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया, गौरव पथ का देख लो, कुंभालिक प्रणाल प्रणाल का रुका, पानी का चल रही है, सीवरेज की चल रही है, बाहर को भी विकास की व्यवस्था काम चल रही है। सर, हमारे जो सूरजगढ़ क्षेत्र है, सूरजगढ़ क्षेत्र में तो शायद उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई काम करवाया हो। सैनिकों के लिए तो कुछ नहीं किया, वैसे भी मैं समझता हूँ जिले के अंदर सांसद होने के नाते उन्होंने कोई ठोस बड़ा काम झुंझुनू के लिए नहीं किया है। तो नहीं, दूसरे सैनिक भी हैं, लोग भी कह रहे हैं कि संतोष जी ने काम नहीं किया है, इसलिए शायद उनको बहुत कम ही मिलेंगे। मौका देना चाहेंगे शायद, बिल्कुल पूरा मिलेगा हमारी तरफ से। दोबारा मौका तो देने का कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल दोबारा मौका मिलना चाहिए ऐसे सांसद के लिए, अगर वो आती हैं तो हमारे विकास या फिर हमारे जिले का विकास होगा। दस में से इनके 3.5 नंबर दिए, उनको 10 में से 10 देंगे, 10 में से पूरे 10। अच्छा, 10 में से उनको 10 नंबर मिलेंगे, 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा।